हाय फेमस हो जाओ। ये चल रहा कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे कोई मगरमच्छ नाड़ पे हमला करते हैं और हार्डवेयर फेल। तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में, और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरटेनमेंट, मतलब इसमें मैं इंटरटेनमेंट की कोशिश करूँगा आज के दिन में। आज का व्लॉग में हम कवर करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, एक्सप्लोर करते हैं। सो हेलो गाइस, तो आज का वर्कआउट ऑलमोस्ट डन है। पन भाई बम बनना छोड़ रहे इंटरफेस कुछ बग हो जाए सिग्नल। तो गाइस यू है नया दिन, और इस आज के दिन व्लॉग में हम कवर करते हैं ये सब्जी बनाई है मैंने और काटी है इसने, मूसा छोड़ने चूहा चूहा छोड़ने मूसा मूसा कह मैं वैसे वहां मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें कैसे कैसे आजाद करेंगे आज। इधर से सीधा निकल ले सेंट्रो आ रही देखी लो डेरी पंडित गांव का नाम ही डेरी पंडित मजाक चल रहा है गांव का नाम है ये हम गांव में आ गए एक देख सकते हो आप लोग सड़क भी है खरंजा जिंदा खरंजा मरा हुआ ना। तो हम आ चुके हैं अपने अपने लाइक खेतों में, हमारे नहीं है हमारे होते तो क्या ही होता है मौज होती, लेकिन ये है पंडित कौन सा गांव है डेरी पंडितों की गांव है जो कि जेपी अमन के बिल्कुल साइड में है। गाइस हम यहां आ गए हैं, ये है यमुना, मतलब दिख ना रही होगी यहाँ से अभी क्लियर, बिल्कुल क्लोज जाके हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये चल रहा कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे तो ना ये अमन है और ये है यमुना का व्यू, और ये है हम यहाँ पे आए हैं घूमने आज के लिए। अभी दिखेगी चलिए चलते हैं अपनी घुड़सवारी पे से। हम आ गए हैं यमुना के किनारे, और अभी ये जिंदा खेत है क्या यमुना के किनारे? ये अपने खेत देखना है चीता इसके, यमुना पे पांच बीघा यमुना पे खेत लिए हैं यानी पीछे वाले ने मैंने ना प्लॉटिंग कराई है। अब यहाँ ये यमुना के किनारे पे ये अपना घर बनाता गई है, बिल्कुल जस्ट यमुना जी बहेंगी जैसे ताजमहल बना हुआ ना वैसे ये बनाएगा, मतलब ताजमहल जैसा ही है किसी शाहजहां के याद में, मतलब शाहजहां कह रहा हूँ शेखावत महल बनाने वाला है ये, जो किसी मुमताज की याद में बनाने वाला है। इसकी मुमताज ने इसे बोला था कि मेरी याद में तुम क्या क्या कर सकते हो, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम अभी खेत में जाके इसका प्लॉट एक्सप्लोर कर रहे हैं बाकी मिलते हैं आगे। चलिए ये है यमुना, तो फाइनली मैं मतलब पहुँच चुका हूँ एकदम तट पे, दिखा सकता हूँ मतलब मैं तुम लोगों को कितना इम्प्योर जल कर चुके हैं यहाँ दिल्ली वाले। सीधा ब्लेम मैं दिल्ली वालों को कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पहले का जल काफ़ी हद तक अच्छा देखने को है, लेकिन यहाँ एकदम ब्लैक वाटर देखने को मिल रहा है। यू कैन वॉच अच्छे से देखो, मतलब इसमें ना कोई जीव भी रहना पसंद नहीं करेगा, कोई ज़्यादा वहाँ मत जाओ है पता चले। मैं देख सकते हो ये यमुना का व्यू है भाई एकदम, मतलब ओए मगरमच्छ नाड़ पे हमला कर देगा तेरी, ये देखो एकदम ब्लैक वाटर हो चुका है यमुना बिल्कुल इसकी तरह ब्लैक। और ये हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हो यमुना का जो प्रदूषण है किस तरीके से यमुना पर प्रभाव डाल रहा है। सो थोड़ा सा मैं गड्ढे को पड़ रहे हैं गड्ढे भाई यहाँ बहुत गहरा पता एकदम डीप। ये सोसाइटियों के बनने का राज है, ये यहाँ पे इनका गोल बनता है गाइस देखो।
और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये गांव कोंडली, और इसके पीछे का कुछ एरिया है जो कुछ इस तरीके का है, एकदम बजरी वाला रोड है लाइक खरंजा। और इनके पीछे हमें देखने को मिल रहा है कि ये मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे इन लोगों का मिक्सर बनता है, मिक्सचर बनता है। सलाम साहब, मैं भी हूँ, है ना, वो अच्छी आवाज़ वो दिखा दे राजगुरु सुखदेव, और उसके बारे में दे रखा भगत सिंह, अकेले भगत सिंह राजगुरु भी है। शेर, ये है शेर, वो कितना अच्छा लग रहा है। सलामी देन है ये है हमारे भगत सिंह बटू केशर दत्त, तरपरोशी की तमन्ना दारे खातिन में पानी नहीं भर रखा है मैं फाउंटेन में। ये दिखा इसका मेन वो प्रोग्राम प्रोग्राम में कुछ आइटम आइटम है। अरे हो तो बहुत बढ़िया है, पानी वानी न चला रखो इन्हें। आजा जल्दी, शेर आजा। शोल्डर भी है, चेस्ट भी है, और यू एप्स की एक्सरसाइज भी है। अबे चीते तू कहाँ का है, इंदौर नहीं पार्क में, अच्छा बाहर दिस इज पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क है जो इसके बिल्कुल नियर बाई है। किसी को आना हो तो मुझे DM करो, मैं लेके आऊँगा। बहुत शांति है इस पार्क में। माँ जी ना, माँ जी उचित नहीं है, माँ जी के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उन पर घूमा ही ना जाएगा इस पार्क में। या दिस इज द पार्क व्यू, वैसे तो बड़ा साफ सुथरा है गाइस। ये है मेरे इधर सही नहीं है, तुम शेड्यूल, हमने देख लिया शहीद भगत सिंह पार्क, मतलब घूमने घूमने का बिल्कुल सही मामला है एकदम। तो तुम्हें भी मैंने थोड़ी सी नज़र लगवाई, लेकिन इसके बीच में ये पिलर जो दे रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले ये गलत दे रखे हैं, घूमने के थोड़ा सा डर सा लगे। बाकी हम इनसे अलग अलग घूमे हैं तो सब साफ सफाई तो सही है एकदम बढ़िया। इसके आसपास की ये सोसाइटीज़ हैं, एस है, और ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष करके अंतरिक्ष सोसाइटी है, मतलब अंतरिक्ष गोल्फ। और ये है शेखावत, जानते होगे तुम इसे बहुत अच्छे से। तो यहाँ के जो फुहारे वगैरह अभी वर्किंग नहीं है, मतलब काम ना करते दिखे, अभी सब ऐसे ही पड़ा उजड़ा उजड़ा सा। अगर जब ये चालू हो जाएगा मतलब तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक बार फिर से दिखाऊंगा कि कैसा इसका नाइट व्यू है या कैसा इसका मतलब। ओ वन अनदर पैट इज कमिंग हेयर, ये एक मम्मी ना आजा। क्या कर रहा तेरा व्लॉग बन रहा, व्लॉग बन रहा, हाय कहते हाय, हाय हाय हे, अब चुप होगा जब तो भौंक रहा ले। दो तीन ये रहे गाइस, ये शहीद भगत सिंह पार्क में आराम कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तेरे भैया आयो, तेरे भैया पकड़ लिया हमने, तुम्हारा भैया पकड़ लिया भाई खाने की फिराक में। ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है ना, व्हाइट वाले पाले में ले, ले, ले। मम्मी आ गई है, अब हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि ये हम पे हमला कर सकती है। शेखावत पे हमला कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ है, ये गुस्से में आ जा फिर यू उल्टा लड़न लगे। तो चलते हैं अब, फाइनली हमने देख लिया जितना भी देखना है, तो देखते हैं अब क्या
कहाँ जाऊँ, सीधा फ्लैट पे चलते हैं या क्या सीन है जो भी है। मैं पॉकी बन गया हूँ इस फूल को लगा के, अब इसे हटाना पड़ेगा। पॉकी है भैया, पॉकी ना है, पॉकी होगी जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, इसे ज़्यादा पता है, इसे ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। सो दिस फ्लावर मेरे कान पर अटका हुआ था, सो फाइनल हो गया है जो भी है, जो भी सीन था, चलते हैं अब गाइस। यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। ये है हमारे कमरे का कुछ इस तरीके का व्यू रात का, जिसमें ये दो पीसी है, मतलब लैपटॉप है सॉरी, और ये हमारा बुक का आउटलेट है जो भी है, और ये मैं हूँ और ये है शिकार। तो मैं इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग इसी से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग आप लोगों के लिए लाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।